हेलो एवरीवन, वेलकम टू खतीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न चाट। तो चलिए फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने लिया है 2 कप उबले हुए स्वीट कॉर्न, अमेरिकन मकई एकदम कच्ची कच्ची। ये लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून। चाट मसाला लिया है 1/2 छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच। नमक लिया है 1/2 छोटी चम्मच। और ये मैंने लिया है नींबू 1/2 स्लाइस। और हरा धनिया और पुदीना दोनों को मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है, थोड़ा थोड़ा लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्न के अंदर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इसके अंदर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पास में हम ऑयल गर्म होने के लिए रख लेंगे कॉर्न को फ्राई करने के लिए। ये देखिए अच्छे से मक्खन के ऊपर सारा कॉर्नफ्लोर चिपक चुका है, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करें और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मक्खी डालें, ज़्यादा नहीं, मीडियम आंच पर इसे फ्राई करें। ये कॉर्न चाट बनाते समय आप ध्यान रखें तेल कढ़ाई में ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें, क्योंकि ऑयल ख़राब होगा क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। तो ज़्यादा ऑयल ना लें, कढ़ाई को भरे नहीं। 3-4 मिनट के लिए धीमी से मध्यम आंच पर हमें कॉर्न को फ्राई कर लेना है, इससे कॉर्न एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तेज़ आंच में ना पकाएं। हमें कॉर्न को फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब हमें इसे निकाल लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें, इससे एक्स्ट्रा ऑयल सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी का भी सारी मक्खन यानी कि स्वीट कॉर्न फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपको लगे कि कॉर्न फूट कर बाहर आ रही है उछल कुछल कर, तो आप उसके ऊपर ढक्कन लगाएं, पूरा नहीं पकड़ कर रखा ढक्कन को, इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। हमने टिश्यू पेपर पर मक्खन रख ली है और सारी की सारी फ्राई कर ली है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसे हमें इस तरह से टिश्यू पेपर से निकाल लेना है। अब इसे एक बड़े बाउल में निकालूंगी मैं। इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी कॉर्न चाट बनी है। उसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, नींबू डाल देंगे। तो देखिए हमने कितना फटाफट से स्नैक तैयार कर लिया है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर शाम के नाश्ते में बनाइए, कितना फटाफट बन जाता है और टेस्टी और हेल्दी तो है ही। अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल दूंगी। एकदम खुला खुला एक एक दाना बना है, बढ़िया और क्रिस्पी। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको अपने आप ही मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें।